नेस्ले कंपनी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले सीरिलैक मिल्क, किटकैट और मैगी जैसी चीजों का ख्याल आता है, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में नेस्ले की यही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मशहूर है। हम सब नेस्ले को दुनिया के बेस्ट फूड कंपनी के तौर पर जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये साफ सुथरी नजर आने वाली कंपनी बहुत ही ईवल है, जो कि सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए आपकी और आपके बच्चों की सेहत से खेल रही है। और ऐसा भी नहीं कि ये सब कुछ अनजाने में कर रही हो, बल्कि जानते बूझते हुए। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में एक रिसर्च के अंदर कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। हालिया रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ये कंपनी बच्चों के मिल्क फार्मूला, जिसे हम अपनी जुबान में बच्चों का दूध कहते हैं, जबकि वो दूध नहीं बल्कि केमिकल फार्मूला है। और ना सिर्फ दूध बल्कि सीरियल्स भी इन प्रोडक्ट की बनावट के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होते हैं, वो डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग मुल्कों के बच्चों के फ़र्क के साथ बनाया जाता है। यानी कि अगर यूरोप और अमेरिका के बच्चों के लिए कंपनी सेम वही चीज़ बना रही है, तो इसका फार्मूला अलग होगा, जबकि यही कंपनी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह के लिए ये फार्मूला बना रही है, तो इसका फार्मूला बिल्कुल अलग होगा। हालांकि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, वैसे तो ये काम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, मिसाल के तौर पर शैम्पू, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट और यहां तक के पानी भी आपको सेम कंपनी और प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंट हमेशा अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये कंपनी ऐसा क्यों करती है? जवाब है कि प्रॉफिट के लिए, लेकिन कैसे? इस बात को तो हम वीडियो में आगे चलकर समझेंगे। छोटे बच्चे जो कि अभी तो फार्मूला मिल्क और सीरियल स्वीट पर हैं, इनके लिए एडिड शुगर 2 साल से कम उम्र में देना इंतहाई खतरनाक है। याद रहे कि हम मेडिड शुगर की बात कर रहे हैं, ना कि कुदरती शुगर की, जो कि फ्रूट्स के अंदर और माँ के दूध के अंदर कुदरती ज़रूरत के मुताबिक मौजूद होती है। इस एडिट शुदा शुगर की वजह से बच्चों के दिमाग की ग्रोथ मुतासिर होती है, इनकी सेहत मुतासिर होती है और इनका आईक्यू लेवल कम हो जाता है। और सबसे बढ़कर के बच्चे घर के खाने को छोड़कर शुगर के इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि बार बार शौक से घर के नेचुरल फूड और चीज़ों को छोड़कर ये चीज़ें मांगते हैं। और कंपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर बेतहाशा पैसा कमा रही है। ये दरअसल नशा बेचने वाली कंपनी है। ये लोग जानबूझकर बेबी फूड के अंदर शुगर डालते हैं ताकि लोग इन्हें खरीदने के लिए बार बार वापिस आएं, यानी इनकी डिमांड क्रिएट हो, और इसी चीज से ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि यूरोप और अमेरिका में, यानी तमाम डेवलपिंग मुल्कों में, इस शुगर की मकदार को सेम फार्मूले में सीरियल्स के अंदर बिल्कुल जीरो रखा जाता है। यानी हमारे बच्चे बिल्कुल कुंद जहन के रह जाएं तो रह जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बच्चे ब्रेन डेवलपमेंट के मराहिल के अंदर ही इस काबिल ना हो पाए कि वो फ्यूचर के अंदर साइंटिस्ट, रिसर्चर या कोई जहीन लोगों को पैदा कर सकें। इस चार्ट को जरा गौर से देखें, इसमें हर एक कंट्री के हिसाब से सीरिलैक के अंदर शुगर की मिकदार लिखी गई है, जो कि थाईलैंड के अंदर सबसे ज्यादा 6 ग्राम पर पोशन है, और इसके साथ इथियोपिया, फिर साउथ अफ्रीका और इसके बाद पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, जबकि यूके, अमेरिका वगैरह के अंदर ये 0 है। ये तो सीधा सीधा रेसिज्म है कि ये लोग हम एशियन लोगों को अपने बराबर ही नहीं समझते, और सेम इसी प्रोडक्ट को इसी क्वालिटी के साथ इन गरीब मुल्कों को इस तरह नहीं लेते कि इनके बच्चे कल को आईक्यू लेवल में हमारे बराबर ना खड़े हो जाएं और जिस्मानी तौर पर भी वो इनकी तरह मजबूत ना हों। और दूसरी जानिब डेवलपिंग मुल्कों के अंदर सेहत से मुतालिक कानून इंतहाई सख्त है, और इन कंपनियों को सिर्फ इसी बात का डर होता है कि कानूनी तौर पर बदनामी से बचने के लिए यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं बेचनी जो कि किसी एक शख्स के लिए भी खतरनाक हो। शुगर सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी एडिक्शन है। ये एक नशा है जो कि हर रोज बढ़ता चला जाता है। हर बार आप पहले से ज्यादा शुगर की डिमांड करते हैं और कुछ दिन आप इस आर्टिफिशियल शुगर और इससे बनी प्रोडक्ट यानी कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स वगैरह को खाना छोड़कर देखें, आपको कुछ दिन बाद इसकी तलब होगी ही नहीं, क्योंकि इन कुछ दिनों के अंदर वो नशा आपके अंदर से खत्म हो गया होगा। यही आर्टिफिशियल शुगर आज दुनिया भर के अंदर डायबिटीज की वजह है। हमारा मुल्क पाकिस्तान शुगर और डिप्रेशन की वजह से
आज हम दुनिया में पहले नंबर पर आ चुके हैं। आप इनकी कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, आपको इनके प्रोडक्ट के अंदर भर भर के शुगर मिलेगी, जो कि आपको अंदर से तबाह कर रही है। नेस्ले और इस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आसानी से गवर्नमेंट लेवल पर पीने के साफ पानी पर कब्जा करके और पैक करके मार्केट के अंदर बेचती हैं और अपने इश्तहारात के अंदर लोगों को ये बताती हैं कि हम हर साल इतने परसेंट पानी बचाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज भी पाकिस्तान के मेजोरिटी इलाकों में पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं है। लेकिन नेस्ले इस पानी को पैक करके पूरे पाकिस्तान में बेच सकती है, तो हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर सकती? नेस्ले कंपनी दूध की बजाय आपके बच्चे को शुगर का आदी बना रही है, जो बच्चे की सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। लिहाजा बच्चों को घर का बना हुआ खाना दें और नौमौलूद बच्चों को इन नाम निहाद बेबी फूड कंपनियों के दूध की जगह माँ अपना दूध पिलाए, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। आप जब तक लोगों को इस बारे में शोर देकर इनका बायकॉट नहीं करेंगे, तब तक ऐसी कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेस्ले या दीगर दूसरी नाम निहाद कंपनियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।